हमारे प्रदेश महासचिव श्रीमती किरण कुशवाहा जी, प्रदेश सचिव इंदु जी, हमारी उर्मिला राजभर जी, समृद्धि जी, मंच पर बैठे हुए हमारे बाली वर्मा जी, देवरिया से चल करके आए हमारे पूर्व विधायक, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, महाशक्ति नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले मैं जो सुहृद भारतीय समाज पार्टी छोड़ करके जो साथी हमारे में शामिल हुए हैं, श्री हरीश राजभर जी, श्री अर्जुन राजभर जी, दिनेश राजभर जी, मनीष राजभर जी, अवनीश राजभर जी, हरिकेश राजभर जी, विनोद राजभर जी, आशीष राजभर जी, आशीष गुप्ता जी, देवरिया से चल करके बीएसपी छोड़ करके हमारे साथी आए वीरेंद्र राजभर जी, आप सभी लोगों का ये आयोजन के साथ में बहुत सारे साथी आए, आप सब लोगों को जन अधिकार पार्टी के परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन। साथियों, आज के कार्यक्रम का मकसद जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन, नाम से ही आपको समझ में आता होगा आज के कार्यक्रम का मकसद कि इस देश के जो हम पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जिसमें बड़े तादाद में मुसलमान भाई हैं, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्धिस्ट है, हमारी सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। अगर हम आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज से 30-35 साल पहले इस बात को मानवर कांशीराम जी ने सोचा था और आजमगढ़ से भी उन्होंने शुरुआत की थी। आज से 35 साल पहले जब कांशीराम साहब की देखरेख में हम लोग बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, तो वैसे